आज लगाया उन्होंने हर घर झंडा, तिरंगा झंडा। क्या है आज हालत, क्या है? तिरंगा फहराने से हर घर में दिया जलने वाला है क्या? आज भुखमरी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और ये 75वां साल गिरफ मनाना जरूर है, स्वतंत्रता दिन है, तिरंगा लगाना जरूरी है, लेकिन वही तिरंगा अपने राजनीति के लिए उपयोग में लाना ये असंवैधानिक है। आज जो भी बीजेपी प्रचार कर रही है, केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी प्रचार किया जा रहा है, वही फर्जी आरएसएस ने 2001 तो तिरंगा नहीं फहराया था, और आज कैसी याद आई उन्हें? और तिरंगा फहराना है इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का प्रचार करना। हर नागरिक, भारत में रहने वाला हर नागरिक सुखी समाधानी संपन्न रहे, ये है सत्ताधारियों का काम, लेकिन आज हमें गुलाम बनाने की कोशिश ये बीजेपी केंद्र सरकार की हो रही है। जो आरएसएस हम जानते थे कल तक, आज भी जानते हैं, जिसके आज सरसंघचालक मोहन जी भागवत कहलाते हैं, वो संस्था 1925 में स्थापित हुए, लेकिन 1925 के बाद भी उनका जो एजेंडा रहा वो सिर्फ हिंदू 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 राष्ट्र के लिए रहा, हिंदू के लिए रहा, चातुर्वर्ण के लिए रहा। भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत का तिरंगा लहराना उनका काम था, फर्ज था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान भारत में स्वतंत्र भारत में लागू हुआ, लेकिन उन्होंने संविधान के मुताबिक तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराए नहीं। उसका मतलब वही था कि वो असंवैधानिक है, संविधान को मानते नहीं थे, ये तो साबित हुआ। और अभी सर्वश्रुत है, आपने भी अभी बताया कि 2001 तक वो फर्जी आरएसएस ने तिरंगा फहराया नहीं था। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि वो संविधान को नहीं मानते। 2014 में जब उनकी सरकार बीजेपी आरएसएस वो प्रणीत जो बीजेपी की सरकार है, आज हम देश का माहौल देख रहे हैं। 3 साल पहले यही मोहन जी भागवत ने बोला था कि भारत के 130 करोड़ लोग ये हिंदू है, और हिंदू क्या है, हिंदू क्या है, कहाँ है धर्म? भारत का संविधान तो बोलता है कि यहाँ भारत में रहने वाले जो भी नागरिक है वो भारतीय है, उनका धर्म होगा, धम्म होगा, जो भी होगा वो अपने घर में होगा। लेकिन इन्होंने वो हिंदू नाम लेकर 2014 में सत्ता में आए, और सत्ता का दुरुपयोग करते आज हम देख रहे। आज लगाया उन्होंने हर घर झंडा, तिरंगा झंडा। क्या है आज हालत, क्या है? तिरंगा फहराने से हर घर में दिया जलने वाला है क्या? आज भुखमरी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और ये 75वां साल गिरफ मनाना जरूर है, स्वतंत्रता दिन है, तिरंगा लगाना जरूरी है, लेकिन वही तिरंगा अपने राजनीति के लिए उपयोग में लाना ये असंवैधानिक है। आज जो भी बीजेपी प्रचार कर रही है, केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी प्रचार किया जा रहा है, वही फर्जी आरएसएस ने 2001 तक तिरंगा नहीं फहराया था, और आज कैसी याद आई उनकी? और तिरंगा फहराना है इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का प्रचार करना। हर नागरिक, भारत में रहने वाला हर नागरिक सुखी समाधानी संपन्न रहे, ये है सत्ताधारियों का काम, लेकिन आज हमें गुलाम बनाने की कोशिश ये बीजेपी केंद्र सरकार की हो रही है। काफी संघीय विचारधारा वाले लोगों की डीपी में हम देखे, एक फोटो लगी है जिसपे भगवा झंडा भी है, तिरंगा भी है, और एक सेंटेंस लिखा है, तिरंगा हमारी शान, भगवा हमारी जान। वही मैं अभी ये बोला कि ये राष्ट्रीय त्योहार मनाने का 75वां साल है, स्वतंत्रता का 75वां साल है, तिरंगा लगाकर राष्ट्र प्रेम दर्शाना ये वहां तक बराबर है। लेकिन मैंने अभी ये बोला कि ये तिरंगे का बीजेपी अपने राजनीति फायदे के लिए काम कर रही है, ये असंवैधानिक है। और इसीलिए आप जो बोले कि भगवा हमारी शान, वहां कहां भगवा आया, स्वतंत्रता में भगवा कहां आया? आज तक देश को जो स्वातंत्र्य मिला उसमें यही फर्जी आरएसएस के कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने आंदोलन किए, और उन्होंने खुद 2001 तक तिरंगा नहीं फहराया था। आज ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी जी का एक इंटरव्यू बार बार देखे अपने वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी डीपी बदलिए, उसमें तिरंगा लगाइए। कई एनजीओस ने अपनी डीपी बदले, लोगों ने बदले, लेकिन अफसोस की बात है कि आरएसएस जैसा ये संगठन अभी तक अपनी डीपी बदलने को तैयार नहीं। वही 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 बात, आखिर बात वही आ रही है। हमारे भारत में रहने वाले सामान्य नागरिक जो है उनको देश का प्रेम है, उन्होंने अपनी डीपी बदला है। आपने अभी बोले कि वो आरएसएस ने अपनी डीपी नहीं बदला है, मतलब सीधा वही है कि ये सिर्फ 75वें साल स्वतंत्रता दिन मनाने का खुद के स्वार्थ के लिए, राजनीति करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कई स्कूल के बच्चों से 20 रुपए मांगे जा रहे तिरंगे के नाम पे। कंट्रोल में जाके अगर से आप तिरंगा लेना चाहते हैं तब भी आपको पैसे देना होगा, तो क्या ये कारोबार है? वही 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 बात आखिर वहीं आ रही है कि हर घर तिरंगा है तो स्वेच्छा से, बिना पैसे से, जिनके पास पैसे नहीं है, स्कूल में 15 रुपये हर झंडे के लिए जा रहे हैं। क्यों? अरे राष्ट्र प्रेम पैसे खरीद कर लगाने से नहीं होता। 15 रुपये दो, सवाल वो 15 रुपये का नहीं है, झंडे बेचने का तुम धंधा कर रहे हो। अपने कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसका फायदा करने के लिए आपने ये कंपल्शन किया है। ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनन है। तो इस 75वें वर्षगांठ के मौके पे आपकी आरएसएस कैसे इसे सेलिब्रेट? इसीलिए आज भारत के जनता ने जागरूक होना जरूरी है। राष्ट्र प्रेम हर एक को है, लेकिन ये बीजेपी सरकार आजकल हम सब देख रहे हैं कि अपनी राजनीति सेकने के लिए, अभी ये 75 साल का स्वतंत्रता दिन का तो ये उन्होंने बीच में अड़ंगा ये लाया है, फंडा लाया है, लेकिन आज हम देख रहे सत्ता, लोकतंत्र, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी वो सत्ता करेगी, बाकी विरोधी पार्टी में रहेंगे। लेकिन आज वो सत्ता का दुरुपयोग कैसा हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद अतिक्रमण, 100 साल पुराना अतिक्रमण एक दिन बुलडोजर लगा के सुहाका किया जा रहा है, यही लोकतंत्र है? आज वो 100 साल तक अपनी रोजी रोटी वहाँ कमाता था, कहाँ अतिक्रमण नहीं है? क्या सिर्फ मुसलमानों के अतिक्रमण दिखे क्या योगी को? हम ये देख रहे, क्या ये स्वतंत्रता है? स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है ऐसा हर नागरिक को आज लगने लगा। और वही मैं बोल रहा हूँ कि ये हर घर झंडा लगाने से राष्ट्र प्रेम जागृत नहीं होगा। इन्होंने धंधा किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को, अपने आदमी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, जिसके तहत ये धंधा भी कर रहे हैं। आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बोलने का भी अधिकार ऐसा लग रहा है अभी धीरे धीरे छीनता जा रहा है। लोग बोलने से भी डर रहे हैं, अगर से हम मोदी का कोई कुछ विरोध ही कर ले तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। आज हम वही बात बोल रहे, लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ हर स्वातंत्र हर एक को रहता है। भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि आप अपना मत प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन आज हम देख रहे ईडी महाराष्ट्र सरकार की बात ले ना, अभी क्या हो रहा है, वो जाधव सरपोद्दार ऐसे कई लोग, भावना गौड़ी, इनके खिलाफ कल तक ईडी की चौकसी चालू थी। सत्ता बदलती पलड़ा बदलते ही बीजेपी के साथ जाते ही पूरे बरी हो जाते हैं, क्या यही लोकतंत्र है? इसीलिए हर नागरिक ने आज जागरूक होना जरूरी है। और केंद्र के और जहां जहां भी बीजेपी सरकार है, जहां अन्याय होता है, अरे एक दिन तो मरना ही है, हो जान दो, सभी भारतीय नागरिक संविधान का पालन करते हुए अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी ने डरने की जरूरत नहीं, इकट्ठा होने की जरूरत है, संगठन होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। यही हमारे संवैधानिक आरएसएस का अभी आज का विचार यही है हमारा है।